दिवंगत प्रकृति प्रेमी सुशील तारे की जयंती के अवसर पर उनके द्वारा स्थापित संस्था थैंक यू नेचर के कार्यकर्ताओं और परिजनों के द्वारा मंडलेश्वर के तालाब के आसपास की भूमि पर 200 पौधे रोपे गए। स्वर्गीय सुशील तारे की मां श्रीमती ज्योति तारे, पिता कमल तारे, ताऊ गणपति तारे, संस्था के उपाध्यक्ष अरुण केवट, संरक्षक मनीष कुशवाहा, सचिव मयंक वर्मा, कोषाध्यक्ष अजय वर्मा, रूपेश शर्मा, संस्थापक सदस्य एवं पर्यावरणविद दुर्गेश कुमार, राजदीप, समाजसेवी जोजू मुरियाडन सहित संस्था के सदस्यों ने पौधारोपण किया। कम उम्र में प्रकृति प्रेमी और वन्य जीव प्रेमी सुशील तारे का लगाव हुआ था। 19 नवंबर 2021 में दिवंगत सुशील तारे ने क्षेत्र के प्रकृति प्रेमियों के साथ मिलकर थैंक यू नेचर संस्था का गठन किया था। संस्था के उपाध्यक्ष अरुण केवट ने बताया कि संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सुशील तारे को सांपों के रेस्क्यू में महारत हासिल थी। उनके द्वारा अपनी टीम को रेस्क्यू का प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद रेस्क्यू टीम ने मंडलेश्वर से बाहर भी रेस्क्यू की गतिविधियां बढ़ाकर महेश्वर, कसरावत, बड़वाह, धामनौत तक के प्रकृति प्रेमियों को जोड़कर संस्था का विस्तार किया। संस्था ने अब तक 19,000 सांप पकड़कर उनका पुनर्वास किया है। निमाण में अब तक 28 प्रजाति के सांप पाए गए हैं। मध्य प्रदेश का पहला सफेद सांप कामन करैत, जो सबसे अधिक जहरीला होता है, उसका रेस्क्यू सुशील तारे द्वारा ही किया गया था। इसी प्रजाति का दूसरा सांप भी संस्था के हर्ष सोनी द्वारा पकड़ा गया था। विलुप्त प्रजाति के सांप इंडियन एग ईटर भी संस्था ने पकड़े हैं। आदिवासी अंचल भकलाय में एक कुएं से तेंदुए के रेस्क्यू में भी संस्था की भूमिका रही है। जलीय जीवों में नर्मदा से ग्राम लेपा में घुसे एक मगरमच्छ के साथ वेदा नदी से दो मगरमच्छ संस्था के जाबाज रेस्क्यू बॉय ने पकड़े। आज सुशील तारे हम लोगों के बीच नहीं है, पर उनके द्वारा बनाई गई संस्था आज भी वही काम कर रही है। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि रूप नेक काम अर्पित। ये थैंक यू नेचर संस्था है, इसकी क्या गतिविधियां हैं ये बताइए थोड़ा। इसकी गतिविधियां इस क्षेत्र में जब भी किसी जंगली जानवर से इंसान का सामना होता है, उस समय पर गाँव में आसपास में संस्था का नाम जो है सांपों का रेस्क्यू, जंगली जानवरों को वहाँ से बचाव कार्य करके उनको वापस अपने पर्यावरणीय आवास में छोड़ने का कार्य करता है। और अब तक कितने रेस्क्यू किए हैं आप लोगों ने? अभी करीब संस्था ने 5 वर्षों में करीब 19,000 सर्पों का रेस्क्यू किया। इसके अलावा और कोई जानवर? इसके अलावा पहले साल में हम लोगों ने करीब 3 मगरमच्छ का रेस्क्यू किया था और एक तेंदुआ रेस्क्यू हुआ था। उसके बाद जंगली सुअर और कहीं ना कहीं ये जंगली सुअर सियार हो गए जो कुओं में गिर जाते हैं, तो उनको संस्था समय समय करीब एक साल में 10-15 के आसपास जंगली सुअर और सियार हो गए। और अपने क्षेत्र में जो सांपों का जो बड़ा माकन माना जाता है, सर्प यहाँ ज़्यादा होते हैं, तो कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं यहाँ? हमारे निमाड़ क्षेत्र में अभी तक हम लोगों ने खोज जो की उसमें 28 प्रजाति के सांपों का सर्चिंग हुई है। तो विशेष कौन कौन विशेष उसमें जैसे एक भारत का सबसे जहरीला सांप होता है सफ़ेद कामन करे, पूरा सफ़ेद सांप जो प्रदेश का पहला सांप है, वो भी देश के ज़्यादा संस्था। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा तो संस्था की गतिविधियाँ स्कूलों में बच्चों को प्रकृति के प्रति उनका जो संबंध स्थापित करना, ये संस्था का मूल उद्देश्य है। देखो, जैसे कोई स्नेक बाइट होती है तो क्या प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए? प्राथमिकता ये रहती है कि उन्हें एक सही मार्गदर्शन मिले, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं, तो उन्हें हम लोग सही मार्गदर्शन करते हैं कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं हॉस्पिटल में जाके, और अपना एक घंटे के अंदर अगर वो वैक्सीन लग जाती है तो व्यक्ति सही सलामत होता है, वो उसकी जान बच जाती है। तो डॉक्टर भी कहीं कहीं हम लोगों को समय समय बुलाते रहते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा सांप काटा, आप थोड़ा देख के बताएं। सभी सांप जहरीले होते कि कुछ नहीं? हमारे क्षेत्र में सिर्फ 4 प्रकार के जो सांप हैं उसके ही काटने से लोगों की मृत्यु होती है, बाकी तो ज्यादातर सांप बिना जहर वाले होते हैं। धन्यवाद। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।